हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो आई होप यू ऑल आर वेरी फाइन। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट सेशन, विच इज सेक्शन नंबर 27। देखो, इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया सेक्शन 25A, सेक्शन 26। आई होप सबको प्रीवियस सेशन में जो सेक्शंस पढ़े हैं अच्छे से समझ आ गए होंगे, और उससे पहले वाले भी सारे। अब करेंगे सेक्शन 27। ये क्या कहता है? ये कहता है डीम्ड ऑनरशिप। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है 4 मार्क्स पे। अब ये डीम्ड ऑनरशिप क्या होता है? देखो, कई बार हो सकता है कि एक पर्सन ऑनर ना हो, लेकिन हम फिर भी, मतलब लीगली वो प्रॉपर्टी उसके नाम पर नहीं है, स्टिल इनकम टैक्स एक्ट 1961 कह रहा है, देखो चाहे प्रॉपर्टी आपके नाम पर है चाहे नहीं है, मुझे मतलब नहीं है, मैं तो ये आप ही के नाम पे मानूंगा, यानी मैं आपको डीम्ड ऑनर कहूंगा। डीम्ड ऑनर कौन होता है? मतलब जो ऑनर नहीं है बट उसको माना जाएगा फॉर द इनकम टैक्स पर्पज। इट मीन्स उसी की इनकम में, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को टैक्सेबल किया जाएगा। तो देखिए कौन सा है ये। तो एज पर सेक्शन 27 स्टूडेंट्स, हमारे पास पहला जो केस आ रहा है, आपको सिर्फ सेक्शन 27 याद रखना है, उसके सब सेक्शंस क्लॉजेस याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो एज पर सेक्शन 27 पहला तो ये कह रहे हैं ट्रांसफर टू अ स्पाउस। देखो अब क्या कहा उसने, कहा कि मान लो अगर मिस्टर मिस्टर ए ने अपनी स्पाउस यानी मिसेस ए को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी। अच्छा ठीक है मैम, ट्रांसफर कर दी तो क्या बात हुई? स्टूडेंट्स, अगर मिस्टर ए ने मिसेस ए को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है और उसके लिए उनसे कोई भी एडिक्वेट कंसिडरेशन नहीं लिया, मतलब या तो उन्होंने परचेज करी हो, एक सही अमाउंट पे किया हो ए को, अगर ऐसा नहीं कराना तो हम ये मानेंगे इनकम टैक्स कह रहा है एज पर सेक्शन 27 मैं मिस्टर ए को यानी ट्रांसफरर को ही उस प्रॉपर्टी का ऑनर मानूंगा। ऐसा क्यों हो रहा है कई बार? वरना क्या करते हैं लोग, अपने स्पाउस को यानी कि अपने लाइफ पार्टनर को प्रॉपर्टीज ट्रांसफर कर देते हैं कि भाई जिससे जो रेंट वो आएगा वो उनके नाम पर आएगा, तो वो उन्हीं की इनकम में टैक्सेबल होगा। देखो अब आप थोड़ी कंफ्यूज हो रहे होंगे, बात सुनो क्या होता है प्रैक्टिकली। स्टूडेंट्स जो लोग आजकल हैं टैक्सेबल असेसीज हैं, वो ओवर स्मार्ट बनने की ट्राई करते हैं। मान लो मिस्टर ए की जो इनकम थी ना वो है 5.5 लाख एक्सक्लूडिंग द इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी, और मिसेस ए की जो इनकम है वो है सपोज 1,50,000। अभी वो कुछ इनकम अर्न नहीं कर रही इतना, तो उसको पता था भाई हाउस प्रॉपर्टी से मुझे 1,80,000 की इनकम हुई है। अगर ये ए की इनकम में ऐड होता तो ए का तो बहुत ज़्यादा टैक्स बन जाएगा क्योंकि स्लैब रेट बहुत हाई जाएगी। तो उन्होंने कहा एक काम करता हूँ, मैं मिसेज ए की इनकम में यानी इस प्रॉपर्टी को ए मिसेज ए को ट्रांसफर कर देता हूँ, घर की बात है कहाँ जाएंगी, ठीक है? तो इस केस में फिर 180 मिसेज ए की इनकम में ऐड हो जाएगा, जिसकी वजह से अभी भी मिसेस ए को, क्योंकि 5 लाख से कम है तो कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा, रिपेट वाला मिल जाएगी। अब इनकम टैक्स ने कहा आप क्या समझते हो, आप हमें कुछ नहीं समझते, हम आपके लिए लेकर आए हैं सेक्शन 27 कि अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो यानी विदाउट एनी एडिक्वेट कंसिडरेशन, अगर आप अपनी स्पाउस को, अब हस्बैंड वाइफ को या वाइफ हस्बैंड को ऐसी कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करती हैं तो उस केस में डीम्ड ऑनरशिप लग जाएगी। इट मीन्स बेशक लीगली अब वाइफ के नाम पे प्रॉपर्टी है, लेकिन सेक्शन 27 किसको ऑनर मानेगा? ट्रांसफरर को, स्पाउस को, ठीक है? अच्छा, बट इसकी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? मान लो दोनों जो ए और मिसेस ए हैं ये दोनों अलग हो रहे हैं, ठीक है, दे आर लिविंग अपार्ट, वो अग्रीमेंट से अलग हो रहे हैं, डाइवोर्स ले रहे हैं। अब उस केस में वो कह रहा है कि भाई ठीक है ना, फिर तो एलिमनी पे करनी पड़ती है, कुछ अमाउंट पे तो करेगा अपने स्पाउस को। तो उस केस में अगर हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है तो हम डीम्ड ऑनरशिप का केस नहीं लगाएंगे, ये इस एक्सेप्शन में लिखा हुआ है। फिर आता है, अब जैसे ही लोगों को पता चला अच्छा ऐसा होने वाला है, मत करो मत करो, अपने ना माइनर चाइल्ड, माइनर चाइल्ड मतलब क्या होता है, वो चाइल्ड जिसकी की एज है अभी 18 साल की नहीं हुई, उसके नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देते हैं। अच्छा ऐसा करोगे, तो अगेन सेम रूल अप्लाई होगा। इसका मतलब अगर किसी भी इंडिविजुअल ने अपनी माइनर चाइल्ड पे, चाहे गर्ल चाइल्ड हो चाहे बॉय चाइल्ड हो, उसको विदाउट एनी एडिक्वेट कंसिडरेशन प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है तो डीम्ड ऑनरशिप का केस लग जाएगा। लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन क्या है? अब ऑल दो इट्स इलीगल बट स्टिल आई डोंट नो क्यों कुछ लोग अभी भी ऐसा करते हैं। क्या करते हैं वो, अपने माइनर माइनर चाइल्ड की मैरिज करवा देते हैं। स्पेशली मैंने ये देखा है और बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, इनफैक्ट ये कहना भी बहुत अनफॉर्चुनेट है, बट आज भी कई एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे गर्ल चाइल्ड की जो मैरिज है वो बहुत छोटी एज में कर देते हैं।
अब वो इलीगल है, उस पर पुलिस एक्शन लेगी, 100% लेगी, डेफिनेटली इट्स इलीगल, तो बहुत बड़ा एक्शन बनता है। लेकिन इनकम टैक्स ने कहा कि देखो वो एक्शन हम पुलिस के ऊपर छोड़ रहे हैं, बट अगर अब एक पेरेंट ने अपनी माइनर मैरिड डॉटर, माइनर है बट मैरिड डॉटर है, यानी कि वो उस डॉटर की मैरिज हो चुकी है, माइनर मैरिड डॉटर को अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है, तो उस केस में ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा, मतलब डीम्ड ऑनरशिप नहीं लगेगी। यहाँ से ना एक बात समझ लेना, क्या अगर ये चाइल्ड, ये सेक्शन 27 माइनर पे लग रहा है, अगर वो मेजर होता तो फिर सेक्शन 27 नहीं लगता। तो किस किस पर लगता है? ये स्पाउस पर लगता है और माइनर चाइल्ड पे लगता है, ठीक है, मेजर चाइल्ड पे नहीं लगता। मतलब अगर 18 साल से ज़्यादा एज है तो नहीं लग रहा, तो यहाँ से कोई भी पर्सन अपनी टैक्स प्लानिंग कर सकता है, ठीक है, यस, क्योंकि टैक्स इवेजन नहीं है, टैक्स के लूप होल्स को ढूंढ कर उनको प्लान करना होता है, यस। अच्छा, अब बात हमारे पास आती है कि अगर पर्सन ने क्या सोचा, यार अगर डायरेक्ट घर नाम पर कर दिया ना तो दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो एक काम करता हूँ मैं, 2 CR का मान लो घर है, 2 करोड़ का, 2 करोड़ जो है उसने अपनी चाइल्ड को, माइनर चाइल्ड को या अपने स्पाउस को दे दिए, ट्रांसफर कर दिए, इसने जाकर इस पैसे से घर खरीद लिया, प्रॉपर्टी परचेज कर ली, तो क्या अब भी डीम्ड ऑनरशिप का केस लगेगा? द आंसर इज नो। तो ये अगेन यहाँ पर डीम्ड ऑनरशिप नहीं लगेगा, अगर उसने कैश दिया था, कैश से उसकी मर्जी ना, माइनर चाइल्ड की या स्पाउस की मर्जी, दैट व्हाट दे वांट टू डू, तो नहीं लगेगा, ठीक है, तो फिर सेक्शन 27 एप्लीकेबल नहीं होगा। नाउ यू माइट बी थिंकिंग, मैम अगर ऐसा है तो सबको ऐसा ही करना चाहिए। देखो स्टूडेंट, सेक्शन 27 नहीं लगेगा, बट आगे अभी अभी हम पढ़ेंगे इन अ फर्दर चैप्टर, एक चैप्टर आता है क्लबिंग प्रोविजंस, मतलब क्लब में जाकर मजे करने नहीं। क्लबिंग प्रोविजंस का मतलब क्या होता है? जब कुछ प्रोविजंस की वजह से दूसरे की इनकम हमारी इनकम में टैक्सेबल होगी, अब वो कैसे होगी, कब होगी, बात करेंगे। तो यहाँ पे सेक्शन 27 नहीं लगेगा, लेकिन जब वो कैश ट्रांसफर करता है ना बिना किसी रीजन के, तो क्लबिंग प्रोविजंस अट्रैक्ट होते हैं, जो अट्रैक्ट अभी भी होंगे, ओके, यस, सेक्शन 27 नहीं लगेगा बट क्लबिंग प्रोविजंस लगेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है बात, होल्डर ऑफ एन इम्पार्टेबल एस्टेट, ये क्या है? अब पता क्या हुआ, एक पर्सन ने कहा एक काम करो, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो यहाँ पर ना फ्लैट्स बने हुए थे, ये 3 भाइयों के नाम पर ए बी और सी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी लोगों ने, मतलब उनके पेरेंट्स ने कहा ए की प्रॉपर्टी है, बी की प्रॉपर्टी है, सी की प्रॉपर्टी है, हम तो चले घूमने, तुम लोग संभालो, ठीक है। वो लोग घूम रहे थे या फिर वो किसी और घर में रहते थे, एनी रीजन वो इनके साथ थे, कैसे भी कर रहे, बेसिकली उन्होंने प्रॉपर्टी इनको दे दी, ए बी सी को। अब क्या होता था ना स्टूडेंट्स, ए के घर के बाहर, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर है ना, यहाँ पर एक पार्किंग एरिया भी था, पार्किंग एरिया उन्होंने किसी को नहीं दिया, क्योंकि पता है भाई सबके पास जो है गाड़ी वगैरह होगी तो किसी को मत दो, ओके, ठीक है, तो स्कूटर गाड़ी होगी मत दो। लेकिन अब बात आई कि ये जो पार्किंग एरिया है, ये भी तो एक तरीके से मैं कहूँगी पार्किंग एरिया है, या फिर यहाँ पे कुछ कुछ बना हुआ है, प्रॉपर्टी बनी हुई है, ठीक है, कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी में स्ट्रक्चर कैलकुलेट हमारा देखा जाता है। तो मान लो यहाँ पे कुछ और स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसको उन्होंने किसी को नहीं दिया, तो ये स्ट्रक्चर जो है ये किसकी इनकम में टैक्सेबल होगा? इसके लिए कहा स्टूडेंट्स, अगर कोई एस्टेट प्रॉपर्टी इम्पार्टेबल है, इम्पार्टेबल मतलब जिसका डिवीजन नहीं किया जा सकता, तो उस केस में जो भी उस जगह की देखभाल कर रहा है, यानी जो भी यहाँ की टेक केयर कर रहा है, मोपिंग वगैरह तो करवाएगा, मोप करवाएगा, देखभाल करेगा, तो यानी जो इसका होल्ड अपने पास ले रहा है, उसी की इनकम में ये जो इसकी इनकम आएगी वो टैक्सेबल रहेगी। अब मान लो एक ही घर के आगे था, उसने कहा चलो मैं साफ सफाई करवाऊंगा, मैं ध्यान रखूंगा, तो अगर मैं ध्यान रखूंगा, ए ध्यान रखेगा, तो ए की ही इनकम में इसको टैक्सेबिलिटी माना जाता है। इसका मतलब होता है होल्डर ऑफ एन इम्पार्टेबल एस्टेट, ठीक है, तो जो लीगली डिविजिबल एस्टेट नहीं है, जो उसका होल्ड कर रहा है, उसी की इनकम में वो मानी जाएगी, ओके, यस। अब स्टूडेंट्स क्या बात आती है, हमारे पास एक एक्ट आया, हिंदू सेसेशन एक्ट 1956, उसने कहा देखो अगर ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जिसको आप जो है पार्टीशन नहीं कर पा रहे, तो हम कह रहे हैं उस प्रॉपर्टी को HUF के नाम पे डाल दो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, क्योंकि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के सब मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं। तो लेकिन स्टूडेंट, बेशक HUF ऐसा कह रहा है, सेक्शन 27 ने कहा कि देखो HUF कह रहा है ऑनर उसको मानना, तो आप हिंदू सेसेशन एक्ट यानी ऑनरशिप उसको दे दो, लेकिन टैक्सेबिलिटी के लिए मैं आऊंगा, सेक्शन 27 आऊंगा,
अब इसमें एक बात सुनना, कई बार स्टूडेंट्स इनफैक्ट और क्या हो जाता है कि मैम वो ना पार्किंग एरिया उसको दे या वो स्ट्रक्चर दे भी क्यों रहे हैं, वो कहता है मैं आपको हर महीने ना 10,000 20,000 मतलब कुछ ना कुछ मैं आपको कॉवेनेंट, कॉवेनेंट मतलब होता है कुछ पे आउट कर रहा है या कुछ ग्रांट के बदले में उसको वो मिला हुआ है, तो भी हमारे पास सेक्शन 27 अप्लाई होगा। पेपर में कितना लिखना है, होल्डर ऑफ एन इम्पार्टेबल एस्टेट, कि होल्ड जो भी इम्पार्टेबल एस्टेट को जो कि लीगली डिविजिबल नहीं है, जो उसका होल्डर है उसी को उसका डीम्ड ऑनर माना जाएगा। क्लियर? तो हिंदू सेसेशन एक्ट कुछ भी कहे बट डीम्ड ऑनर यहाँ पे अराइज होगा। नेक्स्ट आता है मेंबर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये क्या होता है? स्टूडेंट्स अगर आपको पता हो ना कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में, तो बेसिकली वहाँ क्या होता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो अपने मेंबर्स को वहाँ का जो एरिया है वहाँ के जो फ्लैट्स हैं वो अलॉट कर देती हैं, कई बार लीज पे भी दे देते हैं। तो अब बात आई कि इन सब के जो मेंबर जो जो अलॉटमेंट की गई है या जो लीज पर दिया गया है उसका ऑनर किसको मानोगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी को या मेंबर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी को? आप बताओ क्या लगता है? तो स्टूडेंट यहाँ पे बोला गया कि देखियो जिसको अलॉट किया या लीज पर दिया उसी को उस बिल्डिंग या उस पार्ट देयर ऑफ का ऑनर माना जाएगा, डीम्ड ऑनर मान लेंगे। मैम इसमें ना दिक्कत क्या थी, एक्चुअल होता क्या है जो कोऑपरेटिव सोसाइटी, अगर आप में से कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी में रहता है तो पता होगा कि लीगली जो है वो घर वो एरिया वो पार्ट उस पर्सन के नाम पे जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर है नहीं होता। द रीजन भी ये कहते हैं जब तक आप कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर हो आपको ये मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। बट स्टिल चाहे वो लीगली उसके नाम पर नहीं हुआ लेकिन जो भी मेंबर है कोऑपरेटिव सोसाइटी का जिसको अलॉटमेंट हुई है उस पार्ट की वह उसी को उसका डीम्ड ऑनर माना जाएगा। सो ऑल्दो ही इज नॉट द लीगल ऑनर ऑफ दैट बिल्डिंग बट स्टिल उस मेंबर को डीम्ड ऑनर माना जाएगा एज पर सेक्शन 27। क्लियर? नेक्स्ट आता है पर्सन इन पोजिशन ऑफ अ प्रॉपर्टी, ये क्या कह रहा है? अब स्टूडेंट्स कई बार क्या होता है कि पर्सन के नाम पर अभी तक प्रॉपर्टी हुई नहीं है लेकिन हमने उस पर्सन को उसका पोजीशन दे दिया। मैम ये क्या कह रहा है? देखो स्टूडेंट्स हो सकता है कि पर्सन ने कहा था, बात सुनो, या तो तुम मेरा कॉन्ट्रैक्ट 10 दिन में पूरा करना वरना ये जो तुम्हारी प्रॉपर्टी है जब तक तुम कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करोगे इसका पोजीशन मेरे पास रहेगा। तो यहाँ पे डीम्ड ऑनरशिप अलाउ हो जाएगी, जिसके पास पोजीशन है वही ऑनर माना जाएगा। अब इसके कुछ केसेस पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। हम आपके पास ना बीच बीच में यहाँ लिखा हुआ है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ने ऐसा कहा, हिंदू सेसेशन एक्ट ने ऐसा कहा, आपको वो कुछ भी इनकम टैक्स में लिखने की ज़रूरत नहीं है। इनकम टैक्स में डायरेक्टली इनकम टैक्स के पर्सपेक्टिव से ही क्वेश्चन लिख देना, दैट विल बी मोर देन एनफ। ओके तो पर्सन इन पोजेशन ऑफ अ प्रॉपर्टी, द इंपॉर्टेंट वर्ड हियर इज पोजेशन, कि जिसके पास पोजेशन है, पोजेशन मतलब जिसके पास होल्ड है। अब ऐसे कौन कौन से केसेस हैं, हो सकता है स्टूडेंट्स कि जो बायर है अभी तक उसने फुल अमाउंट नहीं दिया लेकिन उसको प्रॉपर्टी का पोजेशन दे दिया, ऐसा हुआ डीम्ड ऑनर। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हो सकता है स्टूडेंट अभी तक सेल कंसिडरेशन जो है वो थोड़ा पे किया हो या फिर प्रॉमिस कर दिया। सेल कंसिडरेशन क्या होता है कि भाई मैं आपसे प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ मैं आपको रुपए दे दूंगा, प्रॉमिस करा है या पे भी कर दिया लेकिन अभी लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं बने, पोजेशन दे दिया ना, तो जिसको पोजेशन दिया वही डीम्ड ऑनर माना जाएगा। थर्ड सेल डीड, सेल डीड क्या होती है, जब किसी को सेल किया जाता है तो तहसील में जाकर नोटरी के पास सेल डीड एक्सिक्यूट की जाती है। ठीक है, अभी तक सेल डीड नहीं बनाई थी लेकिन फॉर एग्जाम्पल कुछ और डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लिए लाइक पावर ऑफ अटर्नी, कि भाई आप अभी आपके पास पावर है रह लो यहाँ पे, एग्रीमेंट टू सेल, एग्रीमेंट टू सेल एंड सेल का सेल डीड का डिफरेंस क्या होता है, अग्रीमेंट टू सेल यानी कि अभी वो कह रहा है हाँ मैं आप ही को बेचूंगा, सेल डीड यानी बेच दिया। ठीक है, तो अगर अग्रीमेंट टू सेल या फिर पावर ऑफ अटर्नी देकर उसने पोजेशन दे दिया है तो यस सेक्शन 27 विल बी एप्लीकेबल। ओके स्टूडेंट, सो इन ऑल द अबव केसेस चाहे प्रॉपर्टी उसके नाम पर रजिस्टर नहीं हुई है स्टिल दे आर द डीम्ड ऑनर अगर पोजेशन उनके पास था। अब आता है एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्या है आपको पता है, अगर आप कभी भी किसी को कोई भी प्रॉपर्टी रेंट पर दे रहे हो तो हमेशा ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि एटलीस्ट वैसे नॉर्मली बेसिकली क्या करना चाहिए, हमें उसको 11 महीने से ज़्यादा पे नहीं देना चाहिए। रीज़न, 11 महीने से ज़्यादा अगर हम किसी को प्रॉपर्टी रेंट पे देते हैं तो जब हम रेंट डीड रजिस्टर करवाते हैं उस पर स्टैम्प ड्यूटी लगती है, तो उन रिस्क से बचना चाहिए। स्टिल दे रहे हो तो 12 साल से ज़्यादा तो भाई देना ही मत। क्यों? क्योंकि
क्योंकि अगर किसी पर्सन के पास कोई प्रॉपर्टी, उसका जो प्रॉपर्टी का राइट है वो 12 साल तक था, ठीक है, 12 साल या 12 साल से ज़्यादा, 12 साल से कम है तो कोई बात नहीं है, 12 साल या 12 साल से ज़्यादा है तो डीम्ड ऑनर उस पर्सन को मान लिया जाता है, मतलब वो पर्सन जिसके पास उस प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में कोई भी राइट है, रहने का राइट है, कुछ भी राइट है, तो उस केस में स्टूडेंट्स, अच्छा मैम वैसे 12 साल का कैसे राइट देते होंगे स्टूडेंट्स, वो ना लीज पर दे देते हैं प्रॉपर्टी, ठीक है, मोस्टली जो बैंक्स होते हैं उनको लीज पे दिया जाता है, यस मोस्टली बैंक्स लीज एग्रीमेंट पे काम करते हैं कि वो बैंक वर्क का जो एरिया होता है उनका खुद का नहीं होता, वो लीज पे लेते हैं। तो उसने कहा अगर 12 साल या उससे ज़्यादा का जो उसको लीज एग्रीमेंट बना हुआ है तो हम जिसके पास, जिसके रिस्पेक्ट में लीज एग्रीमेंट बना हुआ है हम उसी को डीम्ड ऑनर मान लेंगे, ठीक है। अच्छा मैम अगर वो ऐसा करता है कि 12 साल क्या वो 15 साल से प्रॉपर्टी में था लेकिन मंथ टू मंथ वो नया अग्रीमेंट बनवाता है, हाँ फिर कोई बात नहीं है, फिर डीम्ड ऑनर नहीं माना जाएगा, ठीक है। इसीलिए अगर लग भी रहा ना कि किसी को लंबे समय के लिए रखना है तो मंथली या क्वार्टरली अग्रीमेंट बनवाओ, लेकिन 1 साल 12 साल के लिए तो मत देना, देखो ना इनकम टैक्स ने भी उसको डीम्ड ऑनर कह दिया है। ओके यस, इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारा ये चैप्टर होता है यहाँ पर ओवर। आई होप सबको चैप्टर 4 का यूनिट 2 दैट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अच्छे से समझ